पर यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने एक बार फिर उसकी राजधानी कीव को दहलाने की कोशिश की। ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस ने कीव पर करीब 3 घंटे तक बमबारी की, जिसके लिए उसने ईरान से मिले आत्मघाती ड्रोन की पूरी टोली भेजी। लेकिन ज़ेलेंस्की का दावा है कि उनकी फौज ने रूस के इस हमले को पूरी तरह नाकाम कर दिया। यूक्रेन के मुताबिक उसने एक रात में रूस के एक या दो नहीं बल्कि 36 ड्रोन ढेर कर दिए। यूक्रेन के मुताबिक ये क्यों पर हुआ अब तक का सबसे घातक ड्रोन अटैक था जो करीब 3 घंटे तक चला। लेकिन आखिर में इसमें यूक्रेन को ही कामयाबी हासिल हुई। ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस ने इसके लिए ईरान के शाहिद-136 और शाहिद-131 ड्रोन का इस्तेमाल किया, लेकिन यूक्रेन की मिसाइलों ने 36 में एक ड्रोन को भी अपने टारगेट तक नहीं पहुंचने दिया। इधर गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और तिहाड़ जेल प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई। इसी महीने की 2 तारीख को तिहाड़ में टिल्लू ताजपुरिया की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिस पर नाराजगी जताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को आड़े हाथ लिया। टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद उसके घर वालों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर CBI जांच की मांग की। इसी पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने यह सवाल उठाया कि हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर कैसे किसी की हत्या की जा सकती है। आरोपियों के पास से जिस तरह के हथियार मिले हैं उन्हें देखते हुए कोर्ट ने भविष्य में जेल के अंदर बड़ी वारदात की भी आशंका जताई। हालांकि जेल प्रशासन ने स्टेटस रिपोर्ट में यह बात कही कि जेल के बाहर के जो लोग भी हत्याकांड में शामिल हैं उनकी पहचान की जा रही है ताकि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। उधर पंजाब के अमृतसर में एक दिन पहले हुई जरनैल सिंह की हत्या की जिम्मेदारी सोशल मीडिया के जरिए बम्बीहा गैंग ने ली। फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए यह ऐलान किया गया कि बम्बीहा गैंग के इशारे पर जरनैल सिंह की हत्या की गई और ये भी बताया कि जरनैल सिंह का ताल्लुक बम्बीहा गैंग के विरोधी गिरोह से था। एक दिन पहले अमृतसर में गैंगस्टर जरनैल सिंह की 4 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना का एक CCTV वीडियो भी सामने आया था जिसमें चारों बदमाश जरनैल सिंह पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते दिखाई दिए थे। जरनैल की इस हत्या के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था और अब वारदात के एक दिन बाद बम्बीहा गैंग के सरगना गैंगस्टर दविंदर बम्बीहा ने फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। उसने पोस्ट में ये लिखा कि जरनैल सिंह की हत्या गोपी महल गैंग से जुड़े गुर्गों ने की जो बम्बीहा गैंग से ही जुड़ा है। इधर उत्तराखंड के रुड़की में सरकारी जमीन पर बनी अवैध दुकानों को ढा दिया गया। पुलिस के मुताबिक करीब 20 से ज्यादा दुकानों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान कुछ दुकानदारों की नगर निगम की टीम से बहस भी हुई, लेकिन प्रशासन ने उनकी एक न सुनी और वहां सरकारी जमीन पर बनी अवैध दुकानों को बुलडोजर से गिरा दिया। इस कार्रवाई का जो वीडियो सामने आया उसमें सबसे पहले बुलडोजर से सड़क किनारे बनी अवैध दुकान की दीवारों को तोड़ा गया। इस दौरान वहां दुकानदारों की नगर निगम के कर्मचारियों से तीखी बहस भी हुई, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई चलती रही। 2 दिन पूर्व हमने सभी दुकानदारों से इसको खाली करा के कब्जा लिया था। इस कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात रहे ताकि हालात बिगड़ने पर उन पर काबू किया जा सके। उधर जापान के रक्षा मंत्रालय ने रूस के जासूसी विमानों को खदेड़ने का दावा किया। जापान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस के जासूसी विमान जापान की सीमा के करीब पहुंच गए थे, जिन्हें उसके ताकतवर फाइटर जेट ने खदेड़ दिया। जापान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि रूस के 2 जासूसी विमान प्रशांत महासागर और जापान सागर के ऊपर उड़ते दिखाई दिए। जैसे ही इस घटना की जानकारी जापान के रक्षा मंत्रालय को लगी उसने अपने फाइटर जेट भेजकर उन दोनों विमानों को खदेड़ दिया। इस बीच खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि भारतीय सुरक्षा संस्थानों में काम करने वाले अधिकारियों से जानकारी निकलवाने के लिए पाकिस्तान ने हनी ट्रैप का जाल बिछाया है। इसका पता तब चला जब पिछले दिनों महाराष्ट्र और राजस्थान से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे पूछताछ के बाद पाकिस्तान की इस हनी ट्रैप साजिश का पर्दाफाश हो गया। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक भारत के सुरक्षा संस्थानों में काम करने वाले अधिकारियों से जानकारी निकलवाने के लिए पाकिस्तान उन्हें हनी ट्रैप में फंसाता है। इसके लिए सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर अधिकारियों से दोस्ती की जाती है, जिसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कई कॉल सेंटर खोल रखे हैं, जहां हनी ट्रैप की साजिश को अंजाम देने के लिए बड़ी संख्या में लड़कियों की भर्ती की गई। इन लड़कियों को हिंदी और अंग्रेजी बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उन पर किसी को कोई शक न हो। इधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पूर्व CM चरणजीत सिंह चन्नी और उनके भतीजे को चेतावनी दे दी। भगवंत मान के मुताबिक चन्नी के भतीजे ने सरकारी नौकरी के लिए एक क्रिकेटर से 2 करोड़ रुपए मांगे थे और इस क्रिकेटर ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक ट्वीट कर पूर्व CM चन्नी और उनके भतीजे को गुनाह कबूल लेने को कहा, जिसके लिए उन्होंने पूर्व CM चन्नी को 31 मई तक का समय दिया। आरोप है कि पूर्व CM चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे ने खेल कोटे से सरकारी नौकरी दिलाने के लिए एक क्रिकेटर से 2 करोड़ रुपए की मांग की थी। हालांकि चरणजीत सिंह चन्नी ने इन आरोपों को गलत बताया। इस बीच अपना पहला IPL खेल रहे मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज आकाश मधवाल ने एक शानदार रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने IPL के प्लेऑफ मुकाबलों में अब तक की सबसे बेहतरीन गेंदबाजी की
और लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ हुए एलिमिनेटर मैच में 5 रन देकर 5 विकेट झटक लिए। 29 साल के तेज गेंदबाज आकाश मधवाल का ये पहला आईपीएल सीजन है जिसके एलिमिनेटर मुकाबले में उन्होंने कुल 3.5 ओवर यानी 21 गेंदें डाली, जिनमें सिर्फ 5 रन देकर उन्होंने 5 विकेट हासिल किए, जो आईपीएल के प्लेऑफ मुकाबलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड बन गया। इससे पहले 2010 में चेन्नई सुपर किंग्स के डग बॉलिंजर ने 4 ओवर में 14 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए थे, लेकिन मुंबई इंडियंस के आकाश मधवाल ने उनका ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। इधर हैदराबाद में दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड जैसी वारदात को अंजाम दिया गया। वहां पैसों के विवाद में चंद्रमोहन नाम के आदमी ने अपनी लिव इन पार्टनर की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी और फिर शव को ठिकाने लगाने के लिए उसके कई टुकड़े कर दिए। पुलिस के मुताबिक आरोपी चंद्रमोहन ने अपनी लिव इन पार्टनर अनुराधा से करीब 7 लाख रुपए लिए थे, जिन्हें वो वापस नहीं कर रहा था, जबकि अनुराधा उस पर पैसों के लिए दबाव बना रही थी। आरोप है कि इसी वजह से चंद्रमोहन ने 12 मई को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। The motive behind this murder is because of financial transaction between this lady and accused. हत्या के बाद आरोपी ने पत्थर काटने की 2 छोटी मशीनें खरीदी, जिससे उसने शव के 6 टुकड़े किए। बाद में 15 मई को आरोपी ने महिला का सिर मूसी नदी के पास एक कचरा डंप करने की जगह पर फेंक दिया, जबकि बाकी हिस्से फ्रीजर में रख दिए। हालांकि पुलिस ने 1 हफ्ते की जांच के बाद आरोपी चंद्रमोहन को गिरफ्तार कर लिया। उधर ईरान के मीडिया के मुताबिक इसराइल की सेना ने उसके जासूसी ड्रोन पर सीरिया की तरफ से किए गए हमले का करारा जवाब दिया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पिछले महीने ही इसराइल ने सीरिया और चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला को ईरान का साथ छोड़ देने की धमकी दी थी, लेकिन सीरिया पर धमकियों का कोई असर नहीं हुआ। इसराइल का आरोप है कि ईरान उस पर हमले के लिए सीरिया में चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला के आतंकियों को पालता है और इसी वजह से वो सीरिया में घुसकर ईरान के समर्थन वाले आतंकी संगठन के ठिकानों पर वार करता है। लेकिन इसराइल तब आग बबूला हो गया जब उसके एक जासूसी ड्रोन पर सीरिया ने हमला कर दिया। इसके बाद इसराइल की सेना ने सीरिया पर जवाबी हमला करते हुए एक के बाद एक कई रॉकेट दाग दिए। इसराइल का दावा है कि उसके इस हमले में सीरिया की सेना को काफी नुकसान पहुंचा, हालांकि सीरिया की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई। इस बीच रूस की सुरक्षा एजेंसियों ने न्यूक्लियर पावर स्टेशन पर हमले की साजिश को नाकाम करने का दावा किया और 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। पकड़े गए दोनों आरोपी यूक्रेन के नागरिक बताए गए, जिनके ऊपर आरोप है कि वो दोनों रूस के विक्ट्री डे की शाम को न्यूक्लियर पावर स्टेशन की पावर लाइन उड़ाने की साजिश रच रहे थे, लेकिन वो कुछ कर पाते उससे पहले ही उन्हें पकड़ लिया गया। यूक्रेन के दोनों नागरिकों के निशाने पर लेनिनग्राद और कलिनिनग्राद परमाणु ऊर्जा केंद्र थे। रूस की खुफिया एजेंसी FSB फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज के मुताबिक दोनों परमाणु ऊर्जा स्टेशन को नुकसान पहुंचाने के लिए 11 जगहों पर विस्फोटक लगाए गए थे ताकि रूस के पावर रिएक्टर काम करना बंद कर दें, क्योंकि लेनिनग्राद स्टेशन रूस का बड़ा परमाणु ऊर्जा प्लांट है। इधर चुनाव से कुछ महीने पहले राजस्थान में मंदिरों के झंडे के रंग पर सियासी झगड़ा छिड़ गया, क्योंकि राजस्थान की गहलोत सरकार ने राज्य के सभी सरकारी मंदिरों पर पीतांबरी ध्वज फहराने का फैसला किया, जिसकी शुरुआत जयपुर के प्रसिद्ध कल्कि मंदिर से हुई। लेकिन गहलोत सरकार का मंदिरों पर पीतांबरी ध्वज फहराने का फैसला बीजेपी के गले नहीं उतरा। पीतांबरी सामान्यतः कभी ध्वज में नहीं लगा, पीतांबरी हमारे यहाँ साधु संतों को वस्त्र धारण कराते थे। बीजेपी ने तर्क दिया कि मंदिरों पर केसरिया झंडा लगता है न कि पीतांबरी, लेकिन कांग्रेस को बीजेपी का एतराज गलत लगा। कब से केसरिया के ठेकेदार हुए कौन है बीजेपी? राजस्थान में कुछ महीने बाद चुनाव है और इससे पहले कांग्रेस और बीजेपी मंदिरों के झंडे के रंग पर बहस करने लगे। उधर यूक्रेन जंग बीच रूस से भारी मात्रा में सोना खरीदकर यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात ने रूस पर लगे पश्चिमी देशों के बैन के असर को कम कर दिया। जंग शुरू होने के बाद से ही अमेरिका समेत यूरोप के देशों ने रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाए हुए हैं, लेकिन ऐसे वक्त में रूस को यूएई का साथ मिला। खबर के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद से यूएई ने रूस से सबसे ज्यादा सोने का आयात किया, जो 75.7 टन यानी करीब 68,673 किलो रहा, जबकि साल 2021 में उसने रूस से सिर्फ 1.3 टन सोना ही आयात किया था। यूएई की तरह ही जंग के दौरान 2 और देशों ने रूस की जमकर मदद की। खबर के मुताबिक यूएई के बाद रूस से सबसे ज्यादा सोना आयात करने वाले देशों में चीन और तुर्की का भी नाम है, यानी इन देशों ने मिलकर अमेरिका समेत यूरोप के देशों के प्रतिबंध के असर को कम कर दिया और जंग के बीच ही रूस का खजाना भी भर दिया। इस बीच रूस के मीडिया ने रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग में आग लगने का दावा किया, लेकिन इस दावे को रूस के रक्षा मंत्रालय ने ही खारिज कर दिया, जिससे आग लगने की घटना पर सस्पेंस बन गया, क्योंकि रूस के मीडिया ने इस घटना का वीडियो भी शेयर किया जिसमें एक इमारत से आग की लपटें उठती दिखी। वहीं एक और वीडियो सामने आया जिसमें रूस के रक्षा मंत्रालय की इमारत के चारों तरफ धुआं उठता दिखा। रिपोर्ट में बताया गया कि इमारत की बालकनी में आग लगी और ये धुआं बिल्डिंग के अंदर से निकल रहा था। इस वीडियो के साथ रूस के मीडिया ने दावा किया कि प्लास्टिक जलने जैसी बदबू भी आ रही थी। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने मीडिया के इस दावे को खारिज कर दिया, जिससे आग लगने की घटना पर सस्पेंस बन गया।